आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड नाइन्थ चैप्टर नंबर टू पॉलीनोमियल्स। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले दो चीज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते फिर मैं आपको समझाता हूं जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। इफ फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। आर यानी यहां पे क्या है, आर का मतलब है यहां पे रियल नंबर। आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर यानी जितने भी नंबर्स होते हैं मैक्सिमम सारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी इंक्लूडेड होते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन those values of x are called zeros of the polynomial. p of x, देखो डेफिनेशन एक बार वापिस रीड करेंगे। इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर। आर यानी क्या होता है यहां पे, रियल नंबर। आर यानी क्या होता है यहां पे, रियल नंबर। रियल नंबर यानी क्या, मैक्स में जितने भी नंबर्स है रैशनल इरेशनल सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स अगर अपने कोई भी पॉलिनोमियल में, देखो पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में हम लोग कोई भी एक्स की वैल्यू रखने पे आंसर अगर जीरो आता है, आंसर क्या आता है हमारा जीरो, तो देन दोज वैल्यूज ऑफ द एक्स आर कॉल्ड अस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो जो वैल्यू है एक्स की उसको क्या बोलेंगे, उसका जीरो। क्या बोलेंगे उसको, उसका जीरो। फिर एक और चीज है इसके अंदर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखो जो जीरोज होते हैं उसको अपने रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स आर ऑल्सो कॉल्ड रूट्स और अ सॉल्यूशन। उसको दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, बराबर। तो देखो दो चीज हमने अभी देखी, सबसे पहले क्या, अगर हम लोग पॉलिनोमियल में एक्स की कोई भी वैल्यू रखते हैं और एक्स की वैल्यू किसको बिलोंग करती है, आर। आर यानी रियल नंबर। तो अगर उसका आंसर जीरो आता है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो जीरोज है, जीरोज के अलावा भी क्या क्या बोला जाता है उसको, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, रूट्स या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है वो ध्यान देंगे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या, देखो replacing x in p of x, replacing x in p of x by some alpha belongs to r। अब देखो हमारे पास p of x होगा यानी हमारे पास जो इक्वेशन हो x वेरिएबल में, तो x के बदले हम लोग क्या पुट करते हैं, अल्फा। क्या पुट करते हैं, अल्फा। We get the value of the polynomial p of x at x equals to alpha। अब जैसे मान लो कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x के फॉर्म में, अब x के बदले आप लोग क्या पुट कर रहे हो, अल्फा। तो आपको कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वी विल गेट द वैल्यू, तो हमको भी एक वैल्यू मिलेगी। तो इट इज डिनोटेड पाय
इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ अल्फा, और उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, पी ऑफ अल्फा से, और उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे उसको, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। देखो रिप्लेसिंग एक्स इन पी ऑफ एक्स बाय अल्फा मीन्स हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक पी ऑफ एक्स यानी पॉलीनोमियल होगा जहां पे एक्स के बदले हमको क्या पुट करने का, अल्फा, क्या पुट करने का, अल्फा, हमको क्या मिलेगी उसकी, वी गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, हमको क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, और इसको कैसे डिनोट करते, पी ऑफ अल्फा। अब चलो एक एग्जाम्पल के तरीके, अगर मान लो कोई पी ऑफ एक्स है और यहाँ पे आपको बोले हियर एक्स इक्वल्स टू वन, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन। मान लो वही पी ऑफ एक्स में बोल दे एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस टू, बराबर। तो यानी हमको पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू, अगर ऐसा बोल दिया पी ऑफ थ्री, तो उसका मतलब क्या, एक्स इक्वल्स टू थ्री, वाइज वर्जा, बराबर। एक्स वन दिया यानी क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन, एक्स माइनस टू दिया तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस, अगर पी ऑफ थ्री दिया यानी एक्स क्या हो जाएगा, थ्री, एक्स क्या हो जाएगा, थ्री। चलो एक बार वापस स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज कर ले, क्योंकि यही ये पूरे टॉपिक पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ सम वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन दोस वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अब देखो हमारे पास कोई भी एक एक्स की वैल्यू है आर के फॉर्म में, आर यानी रियल नंबर, यानी मैक्सिमम जितने भी नंबर है सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। अब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है रियल नंबर की एक्स के फॉर्म में, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉल्ड द जीरो, और उसका उस वैल्यू पुट करने पे एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे, और अगर हमारा आंसर जीरो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स आर कॉल्ड रूट्स एंड द सॉल्यूशन, और वो जीरोज को हम क्या क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना हो बोल सकते हो, और ओवरऑल आंसर पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए वैल्यू पुट करने पर। फिर वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल रिप्लेसिंग एक्स इन पी ऑफ एक्स बाय अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, आर, आर यानी क्या बेटा, रियल नंबर, वी गेट द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू अल्फा, तो हमको उसकी कोई भी एक वैल्यू मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, पी ऑफ अल्फा, किससे डिनोट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तरीके एक्स अगर वन है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन, एक्स अगर माइनस टू तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस टू, एक्स अगर थ्री है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस थ्री, या फिर कहीं ऐसा दिया हो आपको पी ऑफ फोर, तो इसका मतलब क्या, देन एक्स इक्वल्स टू फोर, अगर ये माइनस होता तो ये भी हो जाता माइनस फोर। पर भाई ये दो टॉपिक हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2। अब देखो यहां पे क्या दिया हमको, क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, हमको पॉलीनोमियल दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 1 2। अब यहां पे हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, उसी के साथ हमारे पास x की तीन वैल्यू कौन कौन सी है, 0 माइनस वन और टू, तो अपने वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले चलो हियर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 क्या लेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर पी ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्वेश्चन में x की तीन वैल्यू दे, 0 माइनस 1 और 2, तो अपने 1 बाय 1 पुट करते, पहले क्या पुट करें, 0, तो ये पूरे पॉलीनोमियल में, ये पूरे पॉलीनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे क्या जाएगा, 0, वहां पे क्या जाएगा, 0। तो देखो p ऑफ 0 5 इंटू 0 4 इंटू 0 द क्यूब जीरो स्क्वायर सॉरी 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो पी ऑफ 0 तो एज इट इज, 5 इंटू 0 भी एज इट इज, 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 को आप लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर आपका हमेशा 0 ही रहेगा प्लस 3। अब चलो 5 इंटू 0 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होगा, 0, 4 इंटू 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होगा, 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 तो ओवरऑल आंसर क्या गया, 3। तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, क्या हो गई हमारी वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, 3 एट 0 मीन्स अगर हम लोग पॉलीनोमियल में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी। अब वैसे ही दूसरा में चेक क्या चेक करना है हमको,
एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब अब देखो जो पॉलिनोमियल है वो तो वही का वही पी ऑफ एक्स फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखो चलो सेम, अब यहां पे x के बदले क्या रखेंगे, माइनस वन, x के बदले क्या पुट करा जाएगा माइनस, तो p ऑफ माइनस वन क्या लिखेंगे p ऑफ माइनस वन, माइनस वन क्यों, क्योंकि आपको यहां पे बोला गया x इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल्स टू फाइव इंटू माइनस वन फोर इंटू माइनस वन द स्क्वायर प्लस थ्री, तो p ऑफ माइनस वन, तो फाइव इंटू माइनस वन अभी वैसा का वैसा ही रहने देते, फोर इंटू माइनस वन द स्क्वायर। अब देखो अब यहां पे इसका रफ बता दू, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो जैसे अपने बेसिक माइनस इंटू माइनस, दो बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो और आंसर क्या आएगा प्लस क्या आएगा, और वन वन जा वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा वन प्लस थ्री। नाउ पी ऑफ माइनस वन प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव वन जा फाइव प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर वन जा फोर, और ये प्लस थ्री एस इट इज। अब चलो अब आगे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस फाइव माइनस, दोनों माइनस माइनस, अब देखो सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसकी बड़े की, तो बड़े की तो माइनस ही है, तो माइनस नाइन, फाइव प्लस फोर नाइन प्लस थ्री। अब देखो प्लस माइनस, एक है माइनस और एक है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, बस साइन किसकी बड़े की, बड़ा क्या है नाइन, नाइन की साइन क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तुम्हारा आंसर पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू माइनस सिक्स। तो यानी अगर x के लिए माइनस वन रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी माइनस सिक्स। वैसे ही तीसरी जो वैल्यू दी गई है x इक्वल्स टू टू, अब वैसे हमको x के लिए क्या रखनी है टू रखनी है, पॉलिनोमियल वही का वही p ऑफ x इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तब देखो चलो तो सेम, जहां पे भी x होगा वहां पे क्या जाएगा टू, जहां पे भी x होगा वहां पे क्या रखने का टू, तो p ऑफ टू फाइव इंटू टू फोर इंटू टू द स्क्वायर प्लस थ्री, तो p ऑफ टू, तो फाइव इंटू टू अभी वैसा का वैसा, टू द स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर, टू टू जा स्क्वायर, यानी उसको दो बार मल्टीप्लाई करने का, तो टू टू जा फोर प्लस थ्री, पी ऑफ टू फाइव टू जा टेन प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस थ्री, पी ऑफ टू टेन प्लस थ्री, देखो मैं ये दोनों को कर रहा हूं टेन प्लस थ्री तो थर्टीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन एज इट इज। अब प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसकी बड़े की, बड़े की साइन क्या है माइनस थ्री, ये तुम्हारा आंसर मीन्स अगर आप एक्स के वैल्यू टू रखोगे तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है सुनो, फाइंड पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, उसमें से हमको क्या क्या फाइंड करना है, पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू। तो देखो सबसे पहले चलो पहले हम लोग क्या करते हैं पी ऑफ जीरो, जैसे मैंने बताया वाइजा वर्जा, हियर y इक्वल्स टू जीरो, y क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल y यूज करे, आगे एक वेरिएबल x था, देखो यहां पे वेरिएबल x था इसके लिए वैल्यू ऑफ x बोल दे रहे, यहां पे वेरिएबल y है तो इसके लिए उसको क्या लेंगे वेरिएबल की वैल्यू बराबर जीरो, y इक्वल्स टू जीरो। चलो तो p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब ये पूरे इक्वेशन में जहां पे भी y होगा वहां पे क्या आना चाहिए जीरो, वहां पे क्या आना चाहिए जीरो, तो p ऑफ जीरो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो p ऑफ जीरो जीरो का स्क्वायर तो जीरो, जीरो माइनस वन मतलब जीरो प्लस वन, तो जीरो से कुछ भी प्लस करो माइनस को तो वैसा का वैसा, तो प्लस वन है तो तुम्हारा ओवरऑल p ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन, ये क्या हो जाएगा वन। मीन्स अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रखूंगा तो मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वन। फिर दूसरी क्या फाइंड करने पी ऑफ वन, चलो सेकंड क्या है हमारे पास पी ऑफ वन। अब पी ऑफ वन है तो यहां पर वेरिएबल, वेरिएबल क्या है वाई, तो ही यार वाई इक्वल्स टू वन, वाई क्या हो जाएगा हमारा वन सॉरी, तो पी ऑफ वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, पॉलिनोमियल वही का वही रहेगा, वैल्यूज खाली चेंज होगी। अब वाई के बदले क्या पुट करने की वन, पी ऑफ वन
वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, पी ऑफ वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन। अब सिंपल देखो, प्लस वन माइनस वन कट, अब लास्ट में क्या बचा वन, तो पी ऑफ वन भी क्या होगा वन, वो भी क्या होगा वन। फिर तीसरी पी ऑफ टू, बराबर तीसरा क्या बोले पी ऑफ टू। अब यहां पे क्या हो जाएगा, हियर वाई इक्वल्स टू टू, मतलब अब यहां पे हम लोग वाई को क्या लेंगे टू, तो पॉलिनोमियल वही का भाई, पी ऑफ वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो पी ऑफ टू टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। तो अब देखो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर माइनस टू प्लस वन, अब ब्रैकेट ओपन होगा फोर माइनस टू प्लस वन। अब एक बात बताओ, चलो जो प्लस साइन वाले पहले उस पर फोकस करते, फोर प्लस वन तो कितना होगा फाइव, और माइनस टू प्लस माइनस, माइनस साइन किसकी पड़ेगी, फाइव की साइन है फाइव और टू में बड़ा कौन है फाइव, फाइव की साइन है प्लस, तो ओवरऑल आंसर आएगा थ्री, फाइव माइनस टू तो थ्री। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब इसी में एक और, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला गया हमको, पी ऑफ टी इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब सेम चीज हमको यहां पर फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड करना है हमको, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, ये तीनों चीज वापस हमको इधर फाइंड करनी है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हियर देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ऑफ जीरो, सबसे पहले क्या पुट करेंगे पी ऑफ जीरो, तो यहां पे पॉलिनोमियल क्या है, हियर पी ऑफ हियर टी इक्वल्स टू जीरो, क्या हो जाएगा टी, टी क्यों, क्योंकि इस बार वेरिएबल क्या यूज करा गया, टी, वेरिएबल कौन सा यूज करा गया है टी, तो हियर टी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पी ऑफ जीरो बोला है तो वेरिएबल की वैल्यू क्या लेंगे जीरो। चलो हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ टी इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो यहां पे जहां पे भी टी है वहां पे क्या आना चाहिए जीरो, क्या आना चाहिए वहां पे, तो पी ऑफ जीरो टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो द स्क्वायर माइनस जीरो द क्यूब, तो पी ऑफ जीरो टू प्लस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो से को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही रहेगा, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो को सेम रीजन, पी ऑफ जीरो टू प्लस जीरो, जीरो इंटू टू जीरो जीरो, तो ओवरऑल क्या बचा पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू, तो ये होगी वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो। फिर चलो दूसरा क्या है पी ऑफ वन, क्या है पी ऑफ वन, अब टी के बदले क्या हो जाएगा, देखो हियर टी इक्वल्स टू वन, अब टी को हम लोग क्या पुट करेंगे वन, तो चलो पी ऑफ टी टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब, जहां पे भी टी है वहां पे क्या आना चाहिए वन आना चाहिए, तो पी ऑफ वन तो टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन द स्क्वायर वन द क्यूब, तो पी ऑफ वन टू ऐसा का वैसा, वन भी वैसा का वैसा, वन का स्क्वायर वन को, वन का स्क्वायर तो वन, वन का क्यूब भी वन, तो पी ऑफ वन टू एज इट इज प्लस वन, टू वन जा टू और ये माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब चलो प्लस वालों को ऐड करो, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन, अब प्लस माइनस, माइनस साइन जिसकी बढ़ेगी, बड़ा क्या है फाइव, फाइव की साइन कौन सी है प्लस, तो फाइव माइनस वन तो कितना हो जाएगा फोर, तो पी ऑफ वन इक्वल्स टू फोर। फिर है तीसरा पी ऑफ टू, क्या लिखना है पी ऑफ टू, तो यहां पे देखो सबसे पहले हियर टी इक्वल्स टू टू, टी की वैल्यू अब क्या रखेंगे टू, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है पी ऑफ टी दैट इज टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब, तो पी ऑफ टू टू प्लस टू प्लस टू द स्क्वायर माइनस टू द क्यूब,
अब चलो तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, टू एज इट इज पी ऑफ टू प्लस टू, टू का स्क्वायर, टू को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, टू टू सा फोर, टू का क्यूब, क्यूब यानी कितने बार मल्टीप्लाई करने का, तीन बार मल्टीप्लाई, टू टू सा फोर, फोर टू सा टू टू सा फोर, फोर टू सा एट। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एज इट इज, ये टू भी एज इट इज, टू फोर सा एट माइनस एट, तो प्लस एट माइनस एट डायरेक्टली कट, तो टू प्लस टू पी ऑफ टू इक्वल्स टू फोर, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं इसी में का, सेम चीज हमको फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पे ध्यान, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या क्या है, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पी ऑफ जीरो, क्या लेंगे सबसे पहले, पी ऑफ जीरो। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, हियर एक्स इक्वल्स टू जीरो, वेरिएबल इस बार क्या है एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो द क्यूब, अब जीरो का क्यूब तो क्या हो जाएगा जीरो, ये तुम्हारा आंसर। फिर पी ऑफ वन, अब क्या लेंगे हम लोग, पी ऑफ वन, तो हियर एक्स इक्वल्स टू वन, बराबर यहां पे वन है तो एक्स की वैल्यू भी क्या ले लेने की, वन, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पी ऑफ वन, वन द क्यूब, वन का क्यूब यानी वन को तीन बार मल्टीप्लाई करो, वन इंटू वन, वन इंटू वन, मीन्स वन को आप लोग कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर वन का वन ही रहेगा। फिर पी ऑफ टू, अब देखो हियर x इक्वल्स टू टू, x को क्या लेंगे अब टू, क्योंकि p ऑफ टू है इसलिए x वैल्यू क्या ली जाएगी टू, तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, p ऑफ टू, टू द क्यूब, तो टू का क्यूब कितना हो जाएगा, टू टू सा फोर, फोर टू सा एट, क्यूब यानी तीन बार मल्टीप्लाई करने इसके लिए, बराबर। देखो इसका रीजन भी ऐसा तो मैं लिख देता हूं, बराबर, टू टू सा फोर, टू टू सा फोर, फोर टू सा एट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो देखो तो सबसे पहले यहां पे हियर एक्स, सबसे पहले सॉरी पी ऑफ जीरो फाइंड करें, क्या फाइंड कर रहे हैं, पी ऑफ जीरो, तो हियर x इक्वल्स टू जीरो, एक्स को क्या लेंगे हम लोग यहां पे जीरो, तो p ऑफ x, x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो जहां पे भी x है वहां पे क्या आना चाहिए जीरो, तो p ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, तो जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस वन, जीरो प्लस वन तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो प्लस इन टू माइनस, देखो यहां पे एक बार प्लस एक बार माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कभी भी मल्टीप्लाई करोगे ना प्लस इंटू माइनस, ओवरऑल आंसर क्या होगा आपका माइनस वन, वन जा वन, तो ये होगी आपकी पियर वैल्यू ऑफ एक्स। फिर दूसरा पी ऑफ वन, क्या लेंगे पी को वन, हियर एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स को क्या पुट करेंगे अब हम लोग वन, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, अब ये वे पॉलिनोमियल जहां पे भी x होगा वहां पे क्या आना चाहिए वन, क्या आना चाहिए, तो p ऑफ वन, वन माइनस वन, वन प्लस वन, तो वन माइनस वन तो क्या हो जाएगा जीरो, वन प्लस वन यानी क्या होगा टू, तो जीरो इंटू, जीरो इंटू टू, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर क्या होगा आपका हमेशा जीरो, तो p ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। फिर हियर x इक्वल्स टू टू, मतलब ये क्वेश्चन है पी ऑफ टू, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू, तो पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, अब यहां पे जहां पे भी एक्स होगा वहां पे क्या आना चाहिए टू, क्या आना चाहिए, तो पी ऑफ टू, टू माइनस वन, टू प्लस वन, तो टू माइनस वन यानी कितना हो जाएगा वन, टू प्लस वन यानी कितना थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, ये तुम्हारा आंसर। तो आज के लिए क्वेश्चन वन और टू काफी है, थ्री और फोर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसका होमवर्क भी आपको मिल जाएगा।